उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में आजकल डॉक्टर खौफ में हैं। डॉक्टरों को जेल से बदमाश रंगदारी की धमकियां दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में दो नामी डॉक्टरों से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। इनमें से एक डॉक्टर तो मुख्यमंत्री योगी के करीबी हैं। 15 वर्षों में हम लोगों ने गोरखपुर में एक भी व्यापारी को गुंडा टैक्स नहीं देने दिया, एक भी व्यापारी का किसी भी चिकित्सक का अपहरण नहीं करने दिया, कहीं हमने किसी को अराजकता नहीं फैलाने दी। मुख्यमंत्री बनने के बाद संसद से कुछ इस अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि गोरखपुर से उन्होंने अपराध को उखाड़ फेंका है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मुझसे 20 लाख रुपए मांगे गए, मुझे भूत भविष्य वर्तमान को भुगतने की धमकी दी गई। मुख्यमंत्री का शहर में गोरखपुर की जेल से अंदर से फोन आ रहा, बहुत शर्म की बात है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, जब हमारे जैसे आदमी की सुरक्षा में इतनी ढिलवाई की जा रही है तो आम पब्लिक का क्या होगा। योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में रंगदारी का शिकार बने ये कोई आम डॉक्टर नहीं, डॉक्टर शिवशंकर शाही सीएम योगी के करीबी हैं। खुद सीएम योगी ने पिछले महीने ही उनके निजी अस्पताल का उद्घाटन किया था, लेकिन अब योगी के करीबी डॉक्टर के घर में जेल से आया है रंगदारी का फोन। शिवशंकर शाही की पत्नी भी डॉक्टर हैं और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भतीजी हैं। डॉक्टर शाही के मुताबिक पहले उनके मैनेजर को फोन आया और फिर उनकी पत्नी को फोन पर धमकाया गया। पुलिस ने सर्विलांस पर नंबर लगाया तो पता चला तो फोन गोरखपुर के जेल के अंदर से किया गया था। 28 जून को मनेजर साहब के फोन पर एक बंदे का फोन आता है, बोला कि मैं देवरे जेल से रामेश यादव बोल रहा हूँ और 20 लाख रुपए संजय यादव सनब छवि यादव ग्राम सूरज थाना गोला पहुँचा दीजिए, नहीं तो देख लीजिए सर रोज मर्डर हो रहे हैं, अभी 2-3 मर्डर हो गए हैं, ये भी मर्डर हो जाएगा। जिसके हवाले से डॉक्टर को फिरौती का फोन आया वो मऊ का रहने वाला 50,000 का इनामी बदमाश रामाश्रय यादव है, जो पिछले 6 महीने से फरार चल रहा है। जिस संजय यादव को पैसे पहुंचाने की बात कही जा रही है वो रामाश्रय यादव का साथी है जो जेल में बंद है। डॉक्टर शाही की तरह ही गोरखपुर के एक और नामी सर्जन शशिकांत दीक्षित को भी जेल से रंगदारी की धमकी आई है। रकम वही 20 लाख रुपए मांगी गई है। धमकी इस बार चिट्ठी से भेजी गई है और बदमाश कोई और है। कब ये आपको धमकी मिली, कैसे मिली? एक रजिस्ट्री लेकर के डाकिया आया, रजिस्ट्री खोलने के बाद मुझे पता लगा कि वो चंदन सिंह के नाम से मुझसे 20 लाख रुपए मांगे गए, मुझे भूत भविष्य वर्तमान को भुगतने की धमकी दी गई और ये भी कहा गया कि आप 20 लाख रुपए जेल में ले आकर के शीघ्रता से पहुंचा दें। मुख्यमंत्री योगी के शहर में जिस तरह डॉक्टरों को रंगदारी के लिए मोबाइल और रजिस्टर डाक से रंगदारी की धमकी दी जा रही है, उससे योगी सरकार और पुलिस के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।